हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक और इंटरेस्टिंग ड्रामा एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस स्टोरी के स्टार्टिंग में हम अपनी फीमेल लीड जियांग को देखते हैं, जो एक छोटा मोटा एक्ट्रेस थी और फिलहाल अभी वो अपने शूटिंग पर जा रही थी। इसी बीच जब वो अपना कार पार्क कर रही थी, तब हमारा मेन लीड जिसका नाम ली हाओ होता है, वो भी वहीं सामने अपना कार पार्क कर देता है, जिस वजह से वो बीच में फंस जाती है। वह हमारे मेल लीड को आवाज़ लगाती है, मगर वो तो ईयरफोन लगाया अपने ही धुन में था। हालांकि वह रुकता है तो जियांग को लगता है कि उसने उसका आवाज़ सुना है, मगर वो तो अपना फेस देखता है और अपने आप से कहता है, हाँ मैं तो हैंडसम हूँ ही, और ऐसा खुश होकर चला जाता है। अब जियांग कार से निकलने के लिए अपना कार पीछे करती है, लेकिन तभी एक बड़ा सा गाड़ी आकर वहाँ रुक जाता है और इस तरह जियांग वहीं फंसी रह जाती है और अपना शूटिंग भी मिस कर देती है। और ऊपर से उसे क्रू मेंबर से डांट भी मिल जाता है कि एक तो तुम बैकग्राउंड एक्ट्रेस हो और ऊपर से तुम्हारा कोई टाइम टेबल भी नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और ली हाओ वापस आकर अपना कार निकालता है। अब जियांग भी गुस्सा से निकलती है और उसे रोकती है। जियांग का हुलिया देखकर ली हाओ उसे भिखारी समझकर कुछ पैसे देता है। इससे जियांग को काफी गुस्सा आता है और वो कहती है, मैं एक एक्टर हूँ और तुम्हारे वजह से मैंने अपना रोल गंवा दिया है, अब तुम्हें इसका कंपनसेट तो देना ही होगा, एटलीस्ट 2000 तो देने ही होंगे। तब ली हाओ अपने कार का स्क्रैच दिखाते हुए कहता है, आई थिंक ये तुमने किया है, इसके लिए तुम्हें 2000 मिलियन तो पे करना ही होगा। ये सुनकर जियांग कहती है, पुरानी बातें जाने दो, हम दोनों स्ट्रेंजर हैं, तुमने भी मेरा थोड़ा लॉस कराया और मैंने भी, तो हिसाब बराबर। इसके बाद ली हाओ ये कहते हुए चला जाता है कि ये स्क्रैच तो पिछले वीक का है। ये सुनकर वो काफी चिढ़ती है। सीन शिफ्ट होता है और वो देखती है कि ली हाओ किसी लड़की के साथ है। अब वो भिखारी के फॉर्म में तो थी ही, इसलिए बदला लेने के लिए उनके पास जाती है और उस लड़की के सामने झूठा स्टोरी बनाती है कि ली हाओ उसका आदमी है और वो एक बार में काम करता था जहां वो उस पर काफी पैसे लुटाती थी, मगर उसके जाने के बाद आज वो उसे ढूंढते ढूंढते इस हालत में है। ये सुनकर वो लड़की ली हाओ के फेस पर पानी फेंकते हुए कहती है, तुम इस टाइप के इंसान हो, मुझे पता नहीं था। अब उस लड़की के जाने के बाद जियांग कहती है, तुमने मेरा लॉस कराया, मैंने भी तुमसे बदला ले लिया। ली हाओ कहता है, अच्छा ही किया तुमने, मेरी दादी ने फोर्सफुली मुझे इस ब्लाइंड डेट पर भेजा था और मैं सोच ही रहा था कि कैसे इस लड़की को रिजेक्ट करूं, और तुमने मेरा काम इजी कर दिया। अब ये सुनकर जियांग को काफी चिढ़ होता है। नेक्स्ट दिन वो अपना बाल शैम्पू करती है, तब उसकी रूममेट आकर पूछती है, आज तो तुम मेरा कार ले गई थी, शूटिंग पर लेट तो नहीं हुई होगी। जियांग कहती है, लेट, मेरा तो पूरा रोल ही मिस हो गया उस रईस लड़के की वजह से, और सोचती है आई होप उससे और दोबारा मुलाकात ना हो। सीन शिफ्ट होता है और जियांग लाइट ठीक कर रही थी, तभी वहाँ ली हाओ पहुँचता है। वो पूछती है, यहाँ क्या कर रहे हो? जहाँ वो कहता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ये सुनकर जियांग काफी शॉक्ड होती है और गिरने वाली होती है कि ली हाओ उसे पकड़ लेता है, फिर उसे कहता है, तुम एक एक्टर हो तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड कर सकती हो, तुम्हें बस मेरी गर्लफ्रेंड बनकर मेरी दादी से मिलना है। जियांग कहती है, मैं क्यों ऐसा करूंगी? जहाँ वो कहता है, इसके लिए मैं तुम्हें 50,000 दूंगा। ये सुनकर वो तुरंत प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है, डोंट वरी, तुम्हारी दादी को मैं तुरंत इम्प्रेस कर दूंगी। ली हाओ कहता है, उन्हें इम्प्रेस नहीं करना है, बल्कि ऐसा बिहेव करना कि वो लड़कियों से नफरत करने लगे और मुझे ब्लाइंड डेट के लिए और फोर्स न करे। जियांग कहती है, किसी को परेशान करना थोड़ा मुश्किल है। जहाँ ली हाओ कहता है, तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने का जरूरत नहीं है, जैसा तुम हो वैसा ही बिहेव करना। सीन शिफ्ट होता है और ली हाओ अपने दादी के साथ जियांग का वेट कर रहा था। वो अपनी दादी से कहता है, सॉरी, मैं फर्स्ट टाइम अपनी गर्लफ्रेंड से आपसे मिला रहा हूँ और वो इतना लेट कर रही है। इस पर दादी कहती है, लड़कियाँ जितनी लेट करती है उतना ही अच्छा रहता है। इसके बाद जियांग एकदम बेराज टाइप से बाइक में एंट्री करती है और दादी के सामने खूब गाली गलौज के साथ बातें करने लगती है। ये सुनकर दादी ली हाओ से पूछती है, क्या ये हमेशा से ऐसी ही है? जहाँ वो कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो इससे भी खतरनाक है। फिर हम उन्हें लंच करते हुए देखते हैं, जहाँ जियांग अपना इम्प्रेशन ऐसा छोड़ रहे थे कि दादी को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ली हाओ इशारा करता है कि वाओ, परफेक्ट एक्टिंग कर रही हो। लंच के बाद जियांग दादी से कहती है, आपको कभी भी कुछ जरूरत होगा तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। ली हाओ कहता है, हनी, तुम कुछ ज्यादा ही ड्रंक हो। जियांग उसे मारते हुए कहती है, जब दो लेडी आपस में इम्पोर्टेंट बातें कर रही हो तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं। दादी ली हाओ से पूछती है, क्या ये तुम्हें हमेशा ऐसे ही मारा करती है? ली हाओ कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तब दादी कहती है, बस बहुत हो गया। और इधर ये दोनों काफी खुश होते हैं कि उनका एक्टिंग जबरदस्त हो रहा है, पर दादी तो कहती है, हमारे खानदान को संभालने के लिए जियांग जैसे डॉटर इन लॉ परफेक्ट है, मुझे जियांग पसंद आई, यही हमारे घर की बहू बनेगी।
अब ये सुनकर दोनों शॉक्ड रहते हैं और दादी खुश होकर जियोंग को कुछ सामान भी देती है और उनसे कहती है, मैंने तुम दोनों के लिए रिसॉर्ट में एक रूम बुक किया है। अब ये सुनकर जियोंग इमेजिन करती है कि रूम पर ली हाउस के साथ क्या कर सकता है। सीन शिफ्ट होता है और वे माउंटेन चढ़ाई करते हैं, जहाँ जियोंग कहती है, तुम उसे इस तरह से काम नहीं करवा सकते, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। ली हाओ कहता है, तुम मेरी कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड हो, वो भी जब दादी जी सामने रहेंगी तब, जब दादी जी सामने नहीं रहेगी तब तुम मेरी सर्वेंट हो, और उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने कहता है। तभी उसके पास दादी जी पहुंचती है। तब ली हाओ ऐसा एक्टिंग करता है जैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड का कितना ख्याल रखता हो, लेकिन इसका फायदा तो जियोंग उठा लेती है। वो कहती है, हाँ ली हाओ मुझे कभी हर्ट होता हुआ नहीं देखता है, और कहती है, मेरा पैर दर्द कर रहा है तो इसलिए ये मुझे कैरी करके ले जाएगा, और अब दादी भी थी तो उसे कैरी करना पड़ता है। नेक्स्ट दिन वे लंच करते हैं, जहाँ जियोंग ली हाओ को कोरिएंडर खाने कहती है। ये देखकर दादी कहती है, पर कोरिएंडर तो ली हाओ को खाना पसंद नहीं है। जियोंग कहती है, बट अब इसे पसंद है क्योंकि ये मुझसे प्यार करता है, तो इसे वो सब कुछ पसंद है जो मुझे पसंद है, और जबरदस्ती उसे खिलाने लगती है। अब बदला लेने के लिए ली हाओ भी उसे केक खाने कहता है, जो कि जियोंग को खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वो डायरेक्टली बोल भी नहीं सकती थी इसलिए वो वॉमिटिंग करने का प्रिटेंड करती है, और दादी से कहती है, पता नहीं मुझे ये क्या हो रहा है, मुझे जो खाना पसंद था अब वो मुझे नहीं खाने का मन कर रहा है, लगता मैं बीमार हो रही हूँ। ये सुनकर दादी ली हाओ से कहती है, उसे केक नहीं खिलाओ और अब से वो जैसा कहेगी तुम वैसा ही करोगे। ली हाओ कहता है, ये क्या बात हुआ, जहाँ दादी जी कहती है, बेवकूफ तुम फादर बनने वाले हो इसलिए तुम्हें इसका केयर करना होगा। और अब जियांग उसे अपना बाल धुलवाती है, सामने वीडियो कॉलिंग पर दादी को रखती है ताकि ली हाओ अच्छे से काम करे। फिर जियोंग दादी से कहती है, क्यों ना बेड पर जाने से पहले आप अपने होने वाले ग्रैंड ग्रैंडसन को कहानी सुनाएं। दादी खुश होकर कहती है, वेट मैं अभी आ रही हूँ। इधर जियोंग ली हाओ से कहती है, बाद में तुम्हें मेरा अच्छे से पैर मसाज कर देना होगा। अब वो इरिटेट होकर कहता है, बस बहुत हो गया, मैं जाकर दादी को सब कुछ सच बता दे रहा हूँ, 1 मिलियन में तो मैं किसी और को भी ये काम करा सकता हूँ। ये सुनकर जियोंग कॉन्ट्रैक्ट पेपर देखती है और कहती है, इतना इम्पोर्टेंट बात आखिरी पेज पर है, मैंने तो देखा ही नहीं था। पर ली हाओ तो अब सब सच बताने के मूड में था, लेकिन जियोंग उसे रोकते हुए किस करती है, और तभी दादी उनके रूम आती है और उन्हें इस तरह देख खुश होकर चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और वे घर पहुंचते हैं, जहाँ दादी जियोंग को भी साथ में रहने कहती है, क्योंकि उन्हें तो यही लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट है, और इससे वे दोनों काफी शॉक्ड रहते हैं।